हेलो माय डियर स्टूडेंट स्टूडेंट आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और स्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। मेंस्ट्रुअल जो साइकिल से फीमेल में होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है, जिसकी वजह से फीमेल में बेबी बोर्न करने की क्षमता आती है और ये फीमेल प्राइमेट्स में मुख्य रूप से होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल्स में जब पुबर्टी एज स्टार्ट हो जाती है उस समय से ही मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है, यानी ये साइकिल स्टार्ट होता है। और जब फर्स्ट बिगनिंग होती है, जब स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो उस कंडीशन को हम मेनार्च कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय यानी इस साइकिल के समय फीमेल की यूट्रस की जो इंडोमेट्रियम्स हैं वो अपने को प्रिपेयर करती हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन एग हमारे पास आता है तो हम उसको इम्प्लांट कर सकें, मतलब हमारे से वो अटैच हो सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और फर्टिलाइज एग नहीं आता है तो जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो ब्रेक हो करके बॉडी से बाहर रिलीज होने लगती है, उसी को हम बोलते हैं मेंसुरेशन। ये रिपीटेड साइकिल है और हमेशा होती रहती है, हर मंथ ये होती रहती है और लगभग ये 28 डे का टाइम लेता है एक साइकिल कंप्लीट होने में, जिसमें ओवम का जो रिलीज हो जाता है 14 डे के आसपास हो जाता है। 28 डे में 40 दिन के आसपास ओवम का रिलीज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो इवेंट हैं इनको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं स्टडी की सुविधा के लिए। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग पीरियड्स, सेकेंड है फॉलिकुलर फेज या एग रिलीज पीरियड भी कहते हैं, बिफोर द एग रिलीजिंग पीरियड भी कहते हैं, फिर है ओवुलेटरी फेज या एग रिलीजिंग पीरियड्स, और ल्यूटियल फेज यानी कि आफ्टर द एग रिलीजिंग पीरियड्स भी कहते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग पीरियड्स तो ये लगभग 3 से 5 दिन का होता है और ये फर्स्ट पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें जो यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग है, ये वाली जो लाइनिंग है इंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये ब्रेक होने लगती है, जो थिक हुई थी वो ब्रेक होने लगती है, जिससे उसमें ब्लड वेसल वगैरह हैं वो ब्रेकेज करने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के थ्रू ये इंडोमेट्रियम वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होने लगता है, जिसे को मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। ये कब होता है कि जब ओवम तो रिलीज होता है ओवुलेशन के थ्रू, लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो उस कंडीशन में ये होता है। अगर फीमेल में लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाए तो इट इज द साइन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी ये प्रेगनेंसी का साइंस है, यानी कि फीमेल को प्रेगनेंसी हो गई है इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट फेज है फॉलिकुलर फेज। इस पीरियड में जो फॉलिकुलर सेल्स हैं यानी कि ओवम का डेवलपमेंट होता है, जस्ट ए मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद स्टार्ट होता है फॉलिकुलर फेज, और इस समय पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन्स बनते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, यानी ये बनना तेजी से स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से जो प्राइमरी फॉलिकुलर सेल है जो अरेस्टेड रहती है वो डेवलप करके ग्रेफियन फॉलिकल सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं ये धीरे धीरे डिक्रीज करने लगता है जब ग्रेफियन फॉलिकल्स का निर्माण हो जाता है और उससे एस्ट्रोजन हार्मोन्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, वैसे वैसे फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स डिक्रीज करने लगती है बनना, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कंसंट्रेशन बॉडी में मतलब बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के बनने की वजह से फीमेल की जो इंडोमेट्रियम है अगेन रिजनरेट करके ठीक होना
स्टार्ट कर देती है, यानी थिक होने लगती है। और ये जो पीरियड है फॉलिकुलर पीरियड्स, ये लगभग 5 से 15 दिन के आसपास चलता है। इसके जस्ट बाद आता है ओवुलेटरी फेज, और ये ओवुलेटरी फेज है ये 14वें दिन के आसपास होता है। ओवुलेटरी फेज में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के कंट्रोल में, फीमेल की जो ओवरी होती है वह ग्रेफिन फॉलिकल्स जो उसमें पाया जा रहा है वो रेप्चर हो जाता है, और रेप्चर होने के बाद एग उसमें से रिलीज हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओबुलेशंस कहते हैं। ओबुलेशन के बाद ओवरी से ओवा ट्रेवल करते हुए पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में, और जहां पर वो रेडी हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फैलोपियन ट्यूब में ये लगभग 12 घंटे से लेकर 24 घंटे तक वेट करता है। ओबुलेशन के बाद 12 से 24 घंटे तक वेट करता है कि अगर स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो फिर अगला स्टेप आएगा तो 12 से 14 घंटे तक ये वेट करता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये इसका मतलब ये डिजेनरेट होना स्टार्ट करता है। अगर ओवुलेटरी फेज की बात करें तो ये लगभग 16 से 32 घंटे में ये कंप्लीट हो जाता है, और जैसे ये कंप्लीट होता है एक रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में ट्रेवल करके पहुंच जाता है। अगला और लास्ट फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो है ल्यूटियल फेज, और ये फेज ओवुलेशन फेज के बाद स्टार्ट होता है। जो ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर हुई थी और जिससे ओवा रिलीज हुआ था, तो ये ग्रेफिन फॉलिकल रैप्चर होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, और एक हार्मोन्स का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करती है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये एंडोमेट्रियम को और थिक और प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वहाँ पर जा करके फर्टिलाइज एग अटैच हो सके। इस फेज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कम हो जाती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अमाउंट में बॉडी में बनती रहती हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के बनने की वजह से जो इंडोमेट्रियम है वो अपने को प्रिपेयर कर लेता है इम्प्लांटेशन के, मतलब इम्ब्रियो अगर आ रहा है तो हमसे जुड़ सके, यूट्रस की वाल जो इंडोमेट्रियम है उससे जुड़ सके। इसीलिए उसको ये थिकनेस इसकी बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा, जो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से तो थिकनेस होती ही होती है, इससे और थिकनेस अधिक होना स्टार्ट हो जाता है इसके वजह से, तो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस कंडीशन में कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो करता रहता है और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू बनाए रखता है। जब प्रोजेस्टेरॉन बनता रहेगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा तो प्रोजेस्टेरॉन बनता रहेगा, उस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाती है फीमेल में, जब तक जो है कि पॉस्चुरेशन नहीं होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डिजनरेट होकर के कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो हार्मोन्स बना रहा था वो हार्मोन बनना अब कम हो जाता है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनना कम हो जाता है, और एस्ट्रोजन हार्मोन फिर बनेगा यानी कि मेंस्ट्रुएशन फिर स्टार्ट हो जाएगा। मेंस्ट्रुएशन की जो साइकिल्स है ये लगभग 50 ईयर्स तक फीमेल्स में होती है, और जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप होता है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, और जब स्टार्ट होता था तो उसे मेनार्च बोलते हैं, और स्टॉप होता है तो उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये अगर फिगर में देखें तो ये फिगर है जो दिखाया गया है डिटेल अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, और ये मैं इसको अटैच कर दूंगा अपने पीडीएफ में, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे
इवेंट जो है कि इसमें घटित होते हैं। ये पूरी साइकिल 1 to 28 डे बनाया गया है, कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल फॉलिकुलर फेज ओवुलेशन फेज ल्यूटियल फेज में कैसे कैसे चेंजेस हार्मोन में इंडोमेट्रियम में कैसे कैसे बॉडी टेम्परेचर में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, यानी कि जितना अभी तक हमने पढ़ाया उन सभी का एक समरी है इस जो स्लाइड में उसका समरी है। ये भी समरी है ही है उसका जो हमने। तो अगर ये इस वीडियो आधारित पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो हमारे चैनल टेलीग्राम ऐप पर है नारायण बायोलॉजी क्लासेज बाय एस एन शर्मा फॉर क्लास 12, वहाँ जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मैं लिंक पिनअप कर दूंगा, साथ ही साथ जो इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर हैं उसका भी लिंक पिनअप कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए या इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।